हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स का, एक शानदार एक बेहतरीन आईटी कंपनी। दोस्तों, गजब का इसका बिजनेस मॉडल है और इट कुड बिकम ए पोटेंशियल मल्टी बैगर। बट अगर हम बात करें दोस्तों, इसने ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दिए हैं अपने निवेशकों को, क्योंकि इसका आईपीओ दोस्तों आया था सितंबर 2020 के अराउंड 160 या 170 के प्राइस बैंड पे आया था आईपीओ। और आज आप देखेंगे तो करंटली इसका मार्केट प्राइस 900 के आसपास चल रहा है। तो अराउंड दोस्तों यहाँ पर 600 to 700% रिटर्न ऑलरेडी जनरेट करके दे दिए हैं। जिसका भी यहाँ पर आईपीओ अलॉटमेंट आया और जिसने अभी तक होल्ड किया, तो उसको मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी मिल गए हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी भी ये एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन ये एक ब्लू चिप कंपनी बन सकती है जिस प्रकार का इसका बिजनेस है। तो इसको पूरा आज डिटेल में हम समझेंगे, पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझाने वाला हूँ, क्या यहाँ पर इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब हम बात करेंगे। और एंड में टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे, क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग लेवल हो सकते हैं अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए दोस्तों ऐसे ही अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो देखिए, बात करें दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की, तो जिस प्रकार से दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जिस प्रकार से पेंडेमिक के बाद दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अडेप्ट किया है वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली हम बात करें, फ्रॉम हेल्थ केयर टू आर वर्क प्लेस टू एजुकेशन टू मीडिया एंड वॉट नॉट, दोस्तों यहाँ पर इट हैज़ टच्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ। तो यहाँ पर दोस्तों, और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इट वुड कंटिन्यू टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन कमिंग फ्यूचर। और यहाँ पर दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमको होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका डिजिटल जो सेगमेंट है दोस्तों, वहाँ से 97% ये जनरेट करता है अपना रेवेन्यू। इसकी पूरी बात हम डिटेल में करेंगे अभी, तो आप ये समझिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, प्रमोटर देखिए इसके कौन है, अशोक सूता। और इनका नाम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड है इंडस्ट्री में, बहुत ही आदर से लिया जाता है। 30 से 35 साल का दोस्तों इनको एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में। ये विप्रो इन्फोटेक के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1984 से 2000 के अराउंड। और विप्रो आईटी का बिजनेस दोस्तों जो मल्टीफोल्ड ग्रो हुआ, वो इन्हीं की बदौलत था। ये हम सबको पता है विप्रो ने किस प्रकार यहाँ पर परफॉर्म किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने माइंड ट्री को फाउंड किया, एंड नाउ 2011 इट हैज़ फाउंडेड हैप्पीएस्ट माइंड। तो आप समझ सकते हैं गजब का एक्सपीरियंस है। और हैप्पीएस्ट माइंड ने दोस्तों 10 सालों में यहाँ पर जिस प्रकार परफॉर्म किया है, इट हैज़ शोन द पोटेंशियल एंड इट विल बिकम अ मल्टी बैगर फॉर श्योर, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। क्योंकि अभी हम बात करेंगे देखिए पूरा डिटेल में, तब आपको यहाँ पर समझ आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आईपीओ हमने बात कर ली कब आया था, आरओसी आरओई के नंबर देखिए कंटिन्यूअसली दोस्तों, इनका जो आरओई आरओसी के नंबर है बहुत ही हेल्दी हैं और कंटिन्यूअसली मैनेजेबल, मैनेज करा हुआ है, मेंटेन करा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,228 हैप्पीएस्ट माइंड्स हैं अक्रॉस 7 कंट्रीज़। तो ये दोस्तों सबसे अच्छी बात है इनकी, ये अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ नहीं बोलते, ये बोलते हैं उनको हैप्पीएस्ट माइंड्स। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जहाँ तक बात आती है दोस्तों, इसका नाम दोस्तों टॉप में लिया जाता है, शुमार टॉप में शुमार है। जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बात आता है आईटी सेक्टर में, तो हैप्पीएस्ट माइंड का नाम दोस्तों वहाँ पर बहुत ऊंचाई पे, हाइएस्ट लेवल पे शामिल है। अब इनके बिजनेस की बात करें, देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इनका बिजनेस है, डेवलपमेंट एंड ऑप्स में, आरपीए यानी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, बिग डेटा एंड एडवांस एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, ये जो है सब दोस्तों फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं। ब्लॉकचेन, क्लाउड, बीपीएम इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी। और यहाँ पर दोस्तों ये जो क्लाउड अडॉप्शन है, या फिर टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, इसमें दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन एज पर द रिपोर्ट सीएजीआर से ग्रोथ आने वाली है। एज पर द रिपोर्ट दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग की जब मैं बात करूँ, तो ये करीब 20 से 25% सीएजीआर से बढ़ सकता है 2025 तक। आईओटी टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो ये करीब 15-20% सीएजीआर से 2025 तक बढ़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो 50% सीएजीआर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो हो सकता है सीएजीआर से। एंड ब्लॉकचेन की बात करें, तो ये भी अराउंड 50-60% सीएजीआर से 2025 तक ग्रो हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों अभी हम इसका पूरा ब्रेकअप देखेंगे, देखिए सेगमेंट वाइज और इंडस्ट्री वाइज कितना यहाँ पर इसका पेनिट्रेशन है हैप्पीएस्ट माइंड का, अगली स्लाइड्स में। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो देखिए किस किस इंडस्ट्री को ये केटर कर रहे हैं, बीएफएसआई, एजुटेक, काफ़ी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है दोस्तों ये, एजु टेक्नोलॉजी, हाई टेक, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, रिटेल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटल। तो आप देख सकते हैं तमाम इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर ये ऑलरेडी केटर कर रहे हैं। अब देखिए इनके रिजल्ट की बात करें, जो हमको रिसेंटली देखने को मिले थे, Q4 के नंबर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग और दमदार नंबर थे। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर हमको नंबर देखने को मिले थे। रेवेन्यूज देखिए दोस्तों, पिछले साल क्वार्टर के मुकाबले जो FY20 में थे, 18% CAGR से ग्रो हुए। अगर EBITDA की बात करें, 129% CAGR से, और पैट देखिए आप 580%
CAGR से ग्रोथ हुआ। और एज पर दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, जो अशोक सूता जी है उन्होंने पहले कहा था कि 20% CAGR से हमारी रेवेन्यूज ग्रो होंगे आने वाले समय में, फ्यूचर में, और यहाँ पर उन्होंने पहले कहा था और कंटिन्यूसली हमको ये देखने को भी मिल रहा है। और एज पर दी मैनेजमेंट दोस्तों अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, मीटिंग हुई थी मैनेजमेंट की, उसमें उन्होंने बोला था जो इनके एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं मिस्टर जोसेफ आनंद राजू एंड इनके जो प्रेसिडेंट CEO हैं राजीव शाह, उन्होंने बोला दोस्तों यहाँ पर 20% CAGR से एक्सपेक्टेड है इनका रेवेन्यू ग्रो हो सकता है। और एज पर द रिपोर्ट इंडस्ट्री जो है, डिजिटल इंडस्ट्री जो है दोस्तों, अराउंड जो ग्रोथ गाइडेंस दी है 20% की, और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सकती है अराउंड 15-18% CAGR पे हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं अगर इंडस्ट्री इस लेवल पे ग्रो हो सकती है तो यहाँ पर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनीज, आप समझ सकते हैं कि दोस्तों आराम से 25% CAGR से ग्रो हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यहाँ पर रीजनेबल नंबर मैनेजमेंट ने दिए हैं, ग्रोथ गाइडेंस दी है जो कि बहुत ही शानदार है। अगर देखिए इनके बात करें डिजिटल रेवेन्यू की, तो डिजिटल रेवेन्यू आप देखिए दोस्तों कंटिन्यूसली 97% CAGR से यहाँ पर 97% डिजिटल रेवेन्यू इनका ये यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं हर साल। FY19 से आप देख सकते हैं Q4 FY21 तक लगातार 97% डिजिटल रेवेन्यू यहाँ पर ले जनरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है दोस्तों। मैनेजमेंट की यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए, जिस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं अपने बिजनेस को एफिशिएंटली, बहुत ही दोस्तों शानदार है। देखिए बॉर्न डिजिटल बॉर्न अजाइल, अजाइल क्या होता है दोस्तों, अजाइल एक मेथडोलॉजी है जिसके तहत यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स, क्विक अडेप्टेशन, क्विक टर्न अराउंड टाइम दिया जाता है कस्टमर्स को, ताकि दोस्तों वहाँ पर ये कस्टमर्स को रिटेन कर पाएँ। कस्टमर्स का जो NPS लेवल है, NPS आप बताएंगे दोस्तों एज पर मैनेजमेंट यहाँ पर 60% का NPS है, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है किसी भी IT कंपनी के लिए। और अगर आप दोस्तों IT कंपनी से बिलोंग करते हो आपको पता होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक यू नो प्राइम एजेंडा रहता है किसी भी बिजनेस का, IT बिजनेस का। कस्टमर सेटिस्फैक्शन वहाँ पर एक की मेट्रिक होती है जिसको कि हर साल यहाँ पर एसेस किया जाता है। तो यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत है, जैसे मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों वन ऑफ दी लीडर है। तो यहाँ पर 60% का इनका NPS है एज पर दी मैनेजमेंट। तो एजाइल बिजनेस में भी आप देखेंगे लगातार ये ग्रो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ है। और कुछ फाइनेंशियल मेट्रिक्स हम देखें, देखिए रेवेन्यूज की बात करें तो FY18 से FY21 तक 18% CAGR से ग्रो हो रहा है, और ईयर ऑन ईयर आप देखिए 21% CAGR से। एंड रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप PS से अराउंड 50%, PS मतलब कि यहाँ पर जो इनका प्रोसेस इंजीनियरिंग सर्विसेज है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उससे अराउंड 50%, मतलब आधा रेवेन्यू यहाँ से कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज से आ रहा है। डिजिटल बिजनेस सर्विस से अराउंड 26.7% है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉल्यूशन सर्विसेज से देखिए अराउंड 20% है, एंड अदर से 3% है। तो डिजिटल बिजनेस एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग भी आता है, ब्लॉकचेन भी आता है, AI भी आता है, मशीन लर्निंग भी आता है, तो वहाँ से अराउंड आप देखिए 70% ये जो है रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इनका हो रहा है। अगर और कुछ ऑपरेशन फाइनेंशियल मेट्रिक्स देखें तो EBITDA जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है देखिए फ्री कैश फ्लोज कैसे जनरेट हो रहे हैं गजब तरीके से दोस्तों। अब 100% फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ है FY21 में, और आपको पता है दोस्तों IT बिजनेस जितने भी होते हैं अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या शानदार दोस्तों यहाँ पर ये फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, और इसी कैश फ्लो के थ्रू दोस्तों यहाँ पर ये एक्विजिशंस भी कर रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने PMS को जो है PGS यानी कि पिमकोर ग्लोबल सर्विसेज, एक ह्यूस्टन बेस्ड दोस्तों कंपनी है जो कि डिजिटल ई कॉमर्स प्लेयर है और डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर उसको एक्वायर किया अराउंड 60 करोड़ के आसपास की डील थी, उसको एक्वायर किया। उसको एक्वायर करने के बाद दोस्तों इनका जो Q1 ये वाला जो इसमें नंबर में आपको जो ये ग्रोथ देखने को मिली है उसमें उसका भी हाथ है। जी हाँ दोस्तों, अराउंड 3 मिलियन कस्टमर्स हैं PGS के पास जो कि अब हैप्पीएस्ट माइंड के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा इक्वेशन है, जिसकी वजह से आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इसका यहाँ पर डेफिनेटली बैलेंस शीट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। और अभी आपको पता है हाल ही में कोका कोला के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, जहाँ पर उनके लिए उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो कोका कोला जैसे आप समझ सकते हैं बहुत ही बड़ा नाम है, तो उसके साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की, उनके लिए भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोजेक्ट इन्होंने किया। अब देखिए और दूसरी कुछ ऑपरेशनल फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है दोस्तों ये। अब देखिए यहाँ पर जो मॉडल है, तो ये मॉडल है जहाँ पर FNP एंड TNM आता है, मतलब FNP मतलब एक दोस्तों प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं बेसिकली। तो प्राइसिंग मॉडल की मैं बात करूँ तो दो तरह के प्राइसिंग मॉडल होते हैं किसी भी IT कंसल्टिंग सर्विसेज में, तो एक होता है FP मतलब कि फिक्स्ड प्राइस मॉडल, एक होता है टाइम एंड मटेरियल मॉडल। तो इस FP मॉडल के तहत देखिए आप 26% यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, और टाइम एंड मटेरियल में 74%। टाइम एंड मटेरियल क्या होता है, मतलब अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट
हो गया किसी कस्टमर का, तो उसके बाद वो आपको जो है पेमेंट देते हैं, या फिर प्राइसिंग जो है वहाँ पर आपका जो है पेमेंट होता है बेसिकली, आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में। और एफपी मॉडल होता है फिक्स्ड प्राइस। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट है चल रहा है और वहाँ पर कुछ भी रिस्क इन्वॉल्व्ड है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तब भी दोस्तों फिक्स प्राइस पे करनी पड़ेगी कस्टमर को, जितने भी सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं उनको। लेकिन यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे तो टाइम एंड मटेरियल मॉडल ही यहाँ पर ज़्यादातर जो है प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की बाद ही प्राइसिंग होती है, तो ये मॉडल में आप देखेंगे ज़्यादा जनरेट हो रहा है। ज्योग्राफीज आप देखिए, अमेरिका, यूरोप, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमेरिका से यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके बाद यूरोप, देन इंडिया एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिजिटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं, डिजिटल इंफ्रा क्लाउड से सबसे ज़्यादा आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, क्लाउड अडॉप्शन जिस प्रकार हो रहा है और जिस प्रकार की CAGR यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में, अराउंड 25% CAGR, तो ये रेवेन्यू डेफिनेटली यहाँ पर मेंटेन करते हुए दिखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड। एंड इसका 44% है। सिक्योरिटीज़ में देखिए 9.1%, खास में सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन। बेसिकली ये एक सेगमेंट है दोस्तों इनका, जहाँ पर कि ये जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनको दोस्तों असिस्ट करते हैं ये टू प्रोसेस देयर टू असिस्ट देम टू बिल्ड देयर प्रोसेस, यू नो, प्रोसेस बिल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लेटफॉर्म, तो ये सब इनको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर इससे रेवेन्यू भी अच्छा खासा इनका जनरेट होता है, जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनीज को असिस्ट करते हैं। एनालिटिक्स आप देख सकते हैं, अदर्स में भी आप देख सकते हैं। वर्टिकल्स आप मैंने आपको बता दिए, देखिए कितने वर्टिकल्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एजुटेक में सबसे ज़्यादा जो जनरेट कर रहा है इनका वर्टिकल वो है दोस्तों एजुटेक। और यहाँ से ये दोस्तों एक जो वर्टिकल है काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है ये, एज़ पर दी रिपोर्ट्स यहाँ पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जहाँ पर आपने नाम सुना होगा दोस्तों यूडेमी का, जहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज कितने सारे आ गए हैं, और स्किल शेयर है, एडेक्स है, यूडेमी है, बड़े बड़े नाम हैं। और ये डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर खुद का ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड्स इनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये दोस्तों डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और दोस्तों मैंने अभी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं हैप्पीएस्ट माइंड की, तो उसमें जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला है कि जो हैप्पीएस्ट माइंड का फोकस है दोस्तों अब डिजिटल मीडिया की तरफ भी बढ़ रहा है, जहाँ पर दोस्तों नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अदर मीडियाज कंपनी भी अपने प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड कर रहे हैं, जो कि स्ट्रीमिंग कंपनीज हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे अपना एक तरह का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको पता है डिजिटल में हैप्पीएस्ट माइंड का काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, और यहाँ पर ह्यूज डिमांड एक्सपेक्टेड है एज़ पर दी मैनेजमेंट। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो कई सारी मीडिया कंपनी है, मतलब दे आर ट्राइंग टू री इन्वेंट देमसेल्स एंड दे आर मूविंग टूवर्ड द स्ट्रीमिंग एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल, तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हैप्पीएस्ट माइंड एक प्रीफर्ड चॉइस है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज है हैप्पीएस्ट माइंड की, और इसमें फोकस्ड भी काफ़ी हैप्पीएस्ट माइंड, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो देखिए रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, टॉप जो कस्टमर्स हैं उनसे 13.8 आ रहा है, टॉप 20 से 60.25 आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनके क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो टॉप 20 से 62.5, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इनके पास। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, इनका NPS बहुत अच्छा है, और ये जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन टॉप लेवल की रहती है हैप्पीएस्ट माइंड्स की, इसलिए यहाँ पर ये एक लॉन्ग टर्म डेफिनेटली जो है फ़ायदा इनको होने वाला है। मिलियंस ऑफ कस्टमर्स की बात करें, कस्टमर देखिए आप लगातार यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इनके कुछ और फाइनेंशियल मैट्रिक्स की, जहाँ पर हम कस्टमर, इंडस्ट्री ग्रुप और डिजिटल सर्विसेज ऑफरिंग्स को हम देखेंगे। तो एडुटेक में आप देखिए यहाँ पर लगातार इनका बढ़ता जा रहा है, 18, 21, ठीक है 25, FY21 में 18 से बात कर रहे हैं हम। देखिए हाईटेक में भी लगातार बढ़ रहा है, और दूसरे सारे ग्रुप्स में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। डिजिटल सर्विस ऑफरिंग्स में आप देखिए लगातार यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड से इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। खास में बात करें सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन, सिक्योरिटी सोल्यूशंस, एनालिटिक्स, IoT, यहाँ पर लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये है दोस्तों सारी चीज़ जो आपको मैं पूरा बिजनेस मॉडल समझाना चाहता था। आई होप आपको यहाँ पर इंडस्ट्री एनालिसिस पूरा यहाँ पर समझ आ गया होगा, क्या यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट है इसके मैंने आपको बता दिया, जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली इट विल टैप मोर ऑफ इट, तो यहाँ पर डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब टेक्निकल चार्ट पे बात करें क्या फ्रेश बाइंग लेवल हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों ऊपर इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर ही हमको कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों करीब ये 850 के लेवल तक आ सकता है। अगर आया तो डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो करंट मार्केट प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं, स्टैगर्ड वे में बाय कीजिए, जब मौका मिले तब बाय कीजिए। अपने IPO लेवल से आप देख सकते हैं दोस्तों ऑलरेडी ये 600-700% रिटर्न दे चुका है, और जिस प्रकार इसका फ्यूचर है दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता नहीं है ज़्यादा ये करेक्ट होगा। जिस प्रकार से रनअप दे रहा है, जिस प्रकार से ग्रोथ गाइडेंस है मैनेजमेंट की, ये दोस्तों भागता ही रहेगा।
हम सोच रहे थे इसको 300 पे लेंगे, 600 पे लेंगे, 800 पे लेंगे, और ये भागे ही जा रहा है। तो भैया इसको जहां मिले वहां बाय कीजिए, जहां डिप में बाय मिले वहां बाय कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, और जिस प्रकार से डिजिटल अडॉप्शन है, क्लाउड अडॉप्शन है, हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ से अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमको नजर आएगा। तो आई होप दोस्तों ये पूरा एनालिसिस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कोई भी क्वेश्चन डाउट हैं स्टिल आपके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।